मैं विक्रमजीत शर्मा, मुंबई वेलवेट से। आज हम प्रांतीय कार्यालय पनवेल के पास आए हैं, जहां पर कमिश्नरी है, जहां पर नामांकन के लिए श्री हरीश मनोहर कैनी साहब आए हुए हैं। तो उनके पीछे उनके बहुत सारे हजारों की तादाद के अंदर उनके कार्यकर्ता और उनके साथी लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं हमारे MLC साहब श्री बालाराम पाटिल साहब, जो अभी हमें बहुत मुश्किल से मिले हैं, तो हम उनसे दो बातें करते हैं इसके लिए। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप जो साहब के लिए आए हैं, हरीश जी के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर क्या हो सकता है? 21 तारीख को महाराष्ट्र के विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना और अन्य मित्र पक्ष, जोगेंद्र कवाड़ी सर की PRP, ये सभी की ओर से हरीश मनोहर कैनी को हमने इस चुनाव का प्रत्याशी के नाते आज दाखिल किया है। और आज जो जिस जल्लोष के साथ हमारे सब साथी, सब कार्यकर्ता, सब चहेते गण आए, वो देख के सबको हैरानी हुई होगी कि ये चुनाव किस तरीके से लड़ने वाले। मैंने भी काफ़ी भारी संख्या में लोग देखे और मुझे भी लगा कि हाँ, ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है पनवेल के अंदर, इसलिए मैंने आपसे। आप बताएंगे कि फिर आपको जो आगे जो जिन जिन चीज़ों पर काम करना है उसके बारे में भी जानकारी है, या आगे आपका कोई विचार है कुछ? आज हम लोग जिन मुद्दों पे यह चुनावी लड़ाई करने वाले हैं, उसमें पानी का मसला है। आए दिन कभी कामोठा में पानी के लिए मोर्चा रहता है, कभी खारघर में रहता है, कभी कलमोली में रहता है, कभी तलोजा में रहता है, कभी गोवा में रहता है, कभी पनवेल में रहता है, कभी न्यू पनवेल में रहता है, कभी खांदा कॉलोनी में रहता है। अभी तो जो MIDC के इर्द गिर्द जूनी पुरानी ग्राम पंचायत है तलोजा MIDC में, उन ग्राम पंचायत में जो भूतपूर्व जो ग्राम पंचायत थी, वहाँ के लोग जो प्रभाग क्रमांक 2 और 3 में आते हैं, उनकी हालत पानी के बारे में बद से बदतर हो गई है। आने वाले दिनों में हम पानी की समस्या के ऊपर अच्छी तरीके से सोचेंगे। आज हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। हम जुलूस से आए, लेकिन हमने नासिक ढोल कैंसिल किया, हमारा बेंजो बैंड था वो कैंसिल किया, लाउड स्पीकर हम जो लगाने वाले थे वो कैंसिल किया, क्योंकि कल रात इसी आसपास के इलाके में पनवेल महानगर पालिका के जो कॉरपोरेटर है मुग्धा लुंडे, उनका एक दुर्दैवी अपघात में निधन हो गया। इसलिए हमने हमारा सब जल्लोष रद्द किया। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने उनको श्रद्धांजलि दी। हालत है, इस हालत पे जनता अपना रुख जो वोटिंग मशीन से EVM है उसके जरिए जरूर जताएगी, और इस टाइम हरीश कैनी को उनकी जो निशानी है खटारा, उसके आगे का बटन दबा के चुन के लाएगी, ये विश्वास मुझे है। तो अभी अभी आपने सुना कि श्री बालाराम पाटिल जो MLC हैं, उनके पानी की समस्या के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो अभी नहीं कहे हैं उन्होंने। आमचा सिंबल आम्हाला नॉमिनेशन नंतर छाननीनंतर आम्हाला माहिती पडायचा, परंतु आज असं झालेलं आहे की शेतकरी कामगार पक्षाचं जुनं चिन्ह जे आहे खटारा, हे आज आम्हाला 1 महिना आधी माहिती पडलेलं आहे, त्यामुळे जो सिंबल पोचवण्यासाठी आम्ही कमी पडत होतो, म्हणजे बिल्डिंगमध्ये, कारण सोसायटीमध्ये चेअरमन असणार, मग त्यांची परमिशन घ्यावी लागायची, मग वॉचमॅन सोडतात की नाही हे बघायचं, आणि आम्ही कुठे नॅशनलिस्ट पार्टी नसल्यामुळे आम्ही कुठे चॅनलवर दिसायचो नाही, परंतु आज एकच फायदा आम्हाला नक्की झालेला आहे, आणि खरोखर दिबा पाटील साहेब असतील, मग जनार्दन भगत साहेब असतील, दत्तुशेट पाटील असतील आणि प्रभाकर पाटील साहेब असतील, यांनी जे नाव कमावलं, जे पक्षाचं नाव पुढे नेलं, त्यावेळी माध्यम नव्हतं, त्यावेळी प्रॅक्टिकली सगळे पोचत होते, पण आज या बिल्डिंगींमुळे जे व्हायचं ते आज आम्हाला होणं शक्य नाही, कारण आमचा सिंबल हा 1-1.5 महिना आधीच जाहीर झालेला आहे, त्याच्यामुळे जी शंका तुमच्या मनात होती ती नक्कीच ह्यावी आम्ही 100% मोडून काढणार, याच्यात तीळ मात्र शंका। साधारणपणे किती मतांचं मताधिक्य तुम्ही हरीश कैनींना द्याल असं तुम्हाला वाटतं? नक्कीच मी सांगेन की जशी आमचे आमदार बाळाराम पाटील साहेब यांना 1,12,000 पर्यंत मतं पडली होती, आणि तुम्ही त्याच्यानंतर बघाल की आघाडीचे उमेदवार पार्थ पवार हे होते, त्यांना देखील 1,06,000 मतं पडली होती। आणि तसंच मी तुम्हाला सांगेन की यावेळी ज्या आक्रोशाने सगळे तरुण मंडळी उतरलेली आहेत, नक्कीच त्या आक्रोशाचा हा मला वाटतं कळ आम्ही विजयाकडे, मग तुम्ही ते समजा आज 50-60% जेवढं मतदान होईल त्याच्यात नक्कीच विजयाकडे आमची घोडदौड असेल, याच्यात तीळ मात्र शंका नाही।
मैं विक्रमजीत शर्मा मुंबई वेलवेट से, मेरे साथ है कैमरामैन वैभव शिंदे।